अमदावाद सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट केस में विशेष कोर्टे दोषितों ने सजा संभाळी। कोर्टे 49 मांथी 38 दोषितों ने फांसी की सजा आपी। आ सिवाय कोर्टे अन्य 11 दोषितों ने आजीवन कैद की सजा फटकारी छे। कोर्टे आ लोगों ने पहला ज दोषी ठेरव्या अने आजे दोषितों की सजा की जाहेरात कराई छे। आपने जणावीए अमदावाद ने ध्रुजववा माटे आतंकीओ मुंबई थी गाड़ी में विस्फोटको लाव्या हता। कार मार्फते अमदावाद सूरत में विस्फोटको लवाया, त्यारबाद ब्लास्ट माटे आतंकीओ 13 साइकलो खरीदी। आ उपरांत स्थानिक स्लीपर सेल नो ब्लास्ट मा उपयोग कर्यो। मुक्ति अबू बशीरे स्लीपर सेल तैयार कर्यो हतो। 2008 मा थयेला अमदावाद सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट केस मा कोर्टे सप्ताह अगाउ चुकादो आप्या बाद हवे खास अदालते सजानु एलान करी दीधु। जो के कोर्टे तमाम पक्षनी रजूआत एक बाद एक सांभळी, जेने कारणे दोषितोनी सजाना एलान पर हजी वधु समय लाग्यो। शुक्रवार ना रोज 13 वर्षथी न्यायनी राह जोता हजारो परिवार ने न्याय मळ्यो। विशेष कोर्ट मा बचाव पक्ष अने सरकार पक्षनी तमाम रजूआतो अने दलील रजू थई चुकी हती। आ केसमां तत्कालीन मुख्यमंत्री अने हालना वडाप्रधान नरेन्द्र मोदी अने केन्द्रीय गृहप्रधान अमित शाहे तपासना आदेश आप्या। संख्याबंध आरोपीओनी टेक्निकल अने शंकाने आधारे धरपकड कराई हती। अभय चुडासमाए वधुमां जणाव्युं हतुं के 14 वर्ष बाद सजानुं एलान थयुं। ब्लास्टना केसमां जे ते वखते इंडियन मुजाहिदीनने जवाबदारी स्वीकारी हती। सीमी संगठन पण कावतरामां शामिल हतुं। ब्लास्ट केसना आरोपीओ भणेला हता अने सेफ जग्याए छुपायेला हता। तेओनी धरपकड अने ओळख करवी पण मुश्किल हती। जो के अमदावाद एलजी अने सिविल हॉस्पिटलमां बॉम्ब ब्लास्ट पाछळनुं मुख्य कारण ब्लास्ट बाद इजाग्रस्तोने हॉस्पिटलमां सारवार माटे लावामां आवे त्यारे राजकीय नेताओ आवे ते दरमियान ब्लास्ट करी मोटा पाये नुकसान करवानुं षड्यंत्र रचायेलुं हतुं। आ समग्र केसनी तपासना हालना डीजीपी आशीष भाटियाना मार्गदर्शन हेठळ करवामां आवी हती। आ पहेला पूर्व पीएम राजीव गांधी हत्या केसमां 26 आरोपीओने फांसीनी सजा फटकारवामां आवी छे। जो के त्यारबाद कदाच कही शकाय कि इतिहासनो आ ऐतिहासिक चुकादो छे, जे बाद एक साथे 38 आरोपीओने ब्लास्ट केसमां फांसी आपवामां आवशे। ब्लास्ट केसना आरोपीओ हालमां अमदावाद, मध्यप्रदेश, बिहार अने महाराष्ट्रनी जेलमां बंद छे।